हेलो फ्रेंड्स, आज जस्ट अभी ऑफिस से निकला था और रास्ते में रुक के ये वीडियो अपलोड करूँगा। मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, इसका कोई रीज़न था। अभी रिसेंटली मैं कुछ वीडियोस यूट्यूब पे चेक कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि कुछ यूट्यूबर हैं अपने यूट्यूब पे जो एक्टिव हैं और जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, जिनमें से मेरा अपना खुद का एक बेटा भी उनका फॉलोवर है, सब्सक्राइबर है, वो उन्हें जी जान से देखते हैं। और कोरोना के पीरियड के बाद जहाँ इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स एजुकेशन के लिए कंपलसरी कर दिए गए थे, इस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे बच्चे ज़्यादातर वीडियो में ही लगे रहते हैं, वीडियो या गेम्स, ये सब के साथ है, अकेला मेरे साथ। अभी जैसे मैंने कुछ देखा तो मैं कुछ ये पॉइंट आउट करके लेके आया हूँ। यूट्यूबर्स, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ये वीडियो बनाने का मेरा कोई रीज़न या लॉजिक सब्सक्राइबर बढ़ाने का या कोई अपनी पब्लिसिटी का नहीं है। ये जस्ट एक एडवाइस है हर उस माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और जिसके बच्चे आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे। तो इनमें कुछ नाम हैं, जैसे फर्स्ट नाम है, ये कोई यूट्यूबर हैं, VR एक्सपेरिमेंट्स। अभी जस्ट मैंने जो हिस्ट्री चेक की, जो मेरा बेटा देखता है ये वीडियो, ये उनका एक इन्फ्लुएंसर है। तो इनकी वीडियो में मैंने देखा कि ये शख्स इतना घटिया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोका कोला को मेंटोस के साथ अपने मुंह में डाल रहे हैं। ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं, एक जानलेवा रिस्की एक्सपेरिमेंट है। और एक्सपेरिमेंट क्या, मैं इसको एक्सपेरिमेंट भी नहीं बोलूँगा। इन यूट्यूबर्स को किसी की कोई परवाह नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल में, और इस वीडियो को बनाने का मेरा रीज़न ये है कि कल मेरे नोटिस में ये बात आई है, किसी छोटे बच्चे ने मेंटोस को चबा के उसके बाद कोका कोला पी लिया। चलो थैंक गॉड उसको टाइमली हॉस्पिटल ले जाया गया और वो बच गया। तो ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस वीडियो में देखिए आप एक बार। दूसरे जो हमारे यूट्यूबर बाबू हैं, उनका है चैनल ये एक्सपेरिमेंटल प्रीतु, इनकी भी फैन फॉलोइंग ठीक ठाक है। तो इनके एक्सपेरिमेंट्स यूट्यूब पे जब मैंने देखे उस हिस्ट्री में, तो ये भाई साहब परफ्यूम को किसी खाली प्लास्टिक की बोतल में डाल के और उसमें आग लगा के उसका रॉकेट बनाने का एक्सपेरिमेंट का क्लेम करते हैं। सभी माता पिताओं को, हम जैसों को, इंडिविजुअल्स को पता है, परफ्यूम के ऊपर क्लियर कट मेंशन होता है, कीप अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रंस, हाईली फ्लेमेबल, ये ज्वलनशील है। तो ये लोग जो सिर्फ यूट्यूब के कंटेंट के चक्कर में इनको कर देते हैं, तो इसको हम क्या समझें, इसको क्या समझें। तो देखिए इस वीडियो में। गाइज, क्या एक बोतल रॉकेट की तरह उड़ सकता है? तो आप लोग बोलोगे नहीं, लेकिन आज हम इस बोतल का रॉकेट बनाकर उड़ाने वाले हैं। तो गाइज चलिए आपको दिखाते हैं। गाइज, तो रॉकेट को उड़ाने के लिए एक लॉन्च पैड का जरूरत पड़ता है। तो हमारे पास ये है लॉन्च पैड, देख सकते हैं, मैंने छोटा सा जुगाड़ से एक लॉन्च पैड तैयार कर दिया है। बड़े बड़े रॉकेट में बहुत सारे फ्यूल भर जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फ्यूल के जगह पर इस बॉडी स्प्रे का यूज में लेने वाले हैं। देख सकते हैं बॉडी स्प्रे है, इस स्प्रे को इस बोतल के अंदर भर देते हैं। देखिए इसके अंदर मैंने बहुत सारा स्प्रे भर दिया है, इसको अब यहाँ पर रख देंगे। चलिए अब इसको जलाते हैं।
गाइस, तो देखा आपने कि किस तरह से रॉकेट। और जो नेक्स्ट यूट्यूबर हैं वो तो बहुत ही रिनोन्ड, जिनके एक्सपेरिमेंट्स का तो कोई जवाब ही नहीं। और ये कोई बहस की बात नहीं है, हमारे घर में मॉडर्न सोसाइटी है, शहरों में रहते हैं, आजकल एलपीजी सिलेंडर हर घर में कंपल्सन। लेकिन वो सिर्फ खाना बनाने के लिए रसोई घर तक सीमित रखें तो ठीक है, इन भाई साहब ने तो कमाल कर दिया, एलपीजी के सिलेंडर में कोक डाल के एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि अगली वीडियो में आप देखेंगे, इन्होंने बोतल के अंदर एलपीजी का कोई एक्सपेरिमेंट करके उसको छोड़ दिया। तो मैं इन सब से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ना करें, ये बच्चों के लिए जानलेवा है। देखिए इस वीडियो। तो गाइस यार, ये है एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और यहाँ पर है हमारे पास कोका कोला। और गाइस यार, कोका कोला को और अगर एलपीजी गैस को किसी तरीके से आपस में मिक्स कर दे तब क्या होता है, कितनी कमाल की रिएक्शन होती है, ये चीज़ मुझे पता है कि जो पुराने व्यूवर्स हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, वो तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता देता हूँ कि अगर किसी तरीके से हम एलपीजी गैस और कोका कोला को मिक्स कर दें और फिर इस बोतल को अपसाइड डाउन कर दें, तो ये जो बोतल है ये बन जाती है एक हाई स्पीड रॉकेट। और गाइस यार, जब मैंने चैनल शुरू किया था तब मैं इस तरीके की बहुत सारी ट्रिक्स ट्राई करता था, लेकिन उस टाइम पे हम ये छोटी वाली बोतल लेना सिर्फ इसके साथ में इस चीज़ को ट्राई करते थे, इस छोटी कोका कोला की बोतल के साथ में। लेकिन हमने कभी भी इस ट्रिक को इस बड़ी वाली 2 लीटर की कोका कोला की बोतल के साथ में ट्राई नहीं किया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर उसी ट्रिक को इस बड़ी वाली 2 लीटर की कोका कोला की बोतल के साथ में ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है, देखो और मजे लो। तो अब हम इस लिक्विड एलपीजी को इस बोतल के अंदर कलेक्ट करते हैं। उप्स। आप देख सकते हैं कि अभी इस बोतल के अंदर हमने कलेक्ट कर ली है लिक्विड एलपीजी गैस। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसके कैप को, कोका कोला के कैप को धीरे से खोलते हैं। गाइस, मैंने इसे अभी तक सिर्फ छोटी बोतल्स के साथ में ही ट्राई किया है, बड़ी बोतल्स के साथ में आज तक भी इस चीज़ को ट्राई नहीं किया। उसके बाद में क्या करते हैं, थोड़ी सी कोका कोला हम बाहर निकाल देते हैं बस इस लेवल तक, और अब इसके अंदर डालते हैं एलपीजी गैस। सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है, अब मिलाते हैं, ठीक है। राइट गाइस, 3, 2, and 1। जिस यूट्यूबर के कारण मुझे आज ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी, ये कोई है निको वीलॉग्स करके। चलिए ठीक है, हर आदमी का अपना काम है, कोई यूट्यूबर है, कोई कंटेंट लोड करता है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, नेट है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे इसके भी फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और इसके जब फैन फॉलोइंग को मैंने देखा, ज़्यादातर इसमें बच्चे हैं। तो इन भाई साहब ने अभी 10-12 दिन पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि वीडियो पे आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगा, कमेंट्स भी ऑफ कर दिए हैं इस भाई साहब ने। उसमें इसने कब्र में जाने का अलाइव बरीड कुछ ऐसा टाइटल करके भी कोई वीडियो डाली थी, जिसमें बोल दिया था मैं 24 घंटे या 12 घंटे जो भी व्हाटएवर इतने उसके कब्र के अंदर रहूँगा। ये एक्सपेरिमेंट क्या किसी बुद्धिजीवी के काम का है, या इससे कोई अचीवमेंट किसी को है? अगर गलती से कोई बच्चा इसको फॉलो कर ले, क्योंकि आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है, हर बच्चा
छुट्टियों में बिजी है अपने YouTube की वीडियो बनाने में, अगर किसी ने जानबूझकर या गलती से ये काम कर दिया तो क्या ये यूट्यूबर उसके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा? या उसको कोई दिक्कत हो गई, हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा, तो क्या ये पे करेगा? देखिए इस वीडियो। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? मैं आपका निकू और आप देख रहे हैं निकू व्लॉग्स। तो गाइस आज फाइनली कर रहे हैं भाई बरीड अलाइव फॉर 24 आवर्स चैलेंज। हम ना गाइस जमीन के अंदर भाई जिंदा दफन हो जाएंगे। गाइस मम्मी का कहना है कि जो भी करना ना भाई सेफली करना, तो गाइस सारी चीजें भाई सेफली करेंगे। तो देखते हैं गाइस कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। रेडी है भाई? गाइस अभी ना भाई 24 घंटे के बाद ही बाहर आएंगे, देखते गाइस कैसा रहता है एक्सपीरियंस। गाइस पूरी सेफ्टी के साथ कर रहे हैं, बाहर सारी चीज रहेगी, वॉकी टोकी वगैरह, कैमरे वगैरह, कैमरा लगा रखा अंदर, सारी चीजों की सर्विलेंस रहेगी, तो पूरा सेफ तरीके से कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत होती है ना तो गाइस जब ही निकाल लेंगे, है ना। कसी वसी गाइस सारी चीज तैयार है। तो गाइस फाइनली नीचे जा रहे हैं, चलो भाई। गाइस बाहर ना भाई तूफान आ गया और सब पानी वानी सब बुड़ गया और बारिश भी आ रही है बहुत ज्यादा। आवाज देखो भाई कैसी आ रही है, तूफान आ गया भैया। गाइस डर लग रहा है भाई कभी चैलेंज कैंसिल ना हो जाए। ये देखो भाई पानी गिरने लग गया भाई यहाँ से, पानी गिर रहे देखो। गाइस लाइट भी गई। गाइस ये चैलेंज ना भाई खतरनाक होता जा रहा है, पानी भरेगा साइड में, कैसे पानी ना गिरने लग जाए भाई, बाहर निकलना पड़ जाएगा अभी। वो आ गया, आ गया वो भाई, जल 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 इसको हटा दे, इसको हटा दे। ओ भैया ओ फोन ओ कैमरा वैमरा सब उठा। गाइस सीन हो गया भाई, भाई ओए निकाल लो। हॉस्पिटल में एडमिट है गाइस कल रात से। दूसरी बार ट्राई करेंगे गाइस, ये भाई करने का मन में नहीं था बिल्कुल भी। गाइस काफी सारे ऐसे लोग हैं जो गाइस इस चीज को धर्म से जोड़ रहे हैं, कह रहे कि अल्लाह का मजाक उड़ा दे ये और वो। गाइस मेरे को बताया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। सारे आ रखे हैं ना, हेलो ये देख लो भाई सारे आ रखे भाई यहाँ पे देखने के। फाइनली भाई सोची भी नहीं होगी कि निकू भाई दोबारा ऐसा चैलेंज करेगा, तुम्हारे बजरंग बली जी साथ में लेके जाएंगे। भाई कैसा लग रहा है जी? बेस्ट ऑफ लक, बजरंग बली तुम्हारे साथ है, 24-48 घंटे रह सकते हो। अभी करते गाइस चैलेंज स्टार्ट, 24 घंटे के लिए हम दफन हो रहे हैं। निकू गैंग पावर, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते भाई, करके मानते भाई। बाय। इस बार ये देख लो गाइस रंग बिरंगी की लाइट लगा रखी है, चाचा भाई मिट्टी डलवाने लग गए। कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी डल चुकी है, हम सारे यहीं बैठेंगे यहाँ पे चला गए। पूरे 24 घंटे के बाद बाहर की दुनिया देख रहे हैं। ये देख लो गाइस पड़ोस वाली आंटी है, इस बार भी गाइस आंटी पूरा बाहर ही खड़ी थी और देखने लग रही थी। गाइस ठीक हूँ आंटी मैं, सारे गैंग वाले आ रखे भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। वापस निकाल रहे हैं, इसमें स्विमिंग पूल बनाएंगे छोटा सा। जैसा कि अभी आपने देखा इस वीडियो में, इसने अपनी माँ या जो कोई लेडी है वो, उनको कहा कि मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन दो दिन पहले ही जब दोबारा वीडियो चेक की, उसने फिर ये वीडियो अपलोड करी जिसमें उसने जबरदस्ती वो कब्र के अंदर गया और वो अपनी अचीवमेंट की बखानबाजी में बिजी है। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अरे भाई धार्मिक बातों को छोड़ो, धर्म एक अलग विषय है, लेकिन आप बच्चों की अपने सब्सक्राइबर की लाइफ के बारे में तो सोचो। और अब मेन मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई मोटिव सब्सक्राइबर पॉपुलैरिटी फेमस होना नहीं है। बीइंग ए फादर फिगर, मैं सबसे पहले उन बच्चों के माता पिताओं से रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आपके बच्चा फ़ोन देखे
कोशिश करें कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन में ही उसको फ़ोन दें और ऐसे वाहियात यूट्यूबर्स को सबसे पहले अनसब्सक्राइब करें। बच्चों को ज़्यादा ज़िद्दी ना बनने दें, टास्क टफ है लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूट्यूबर्स ये किसी के सगे नहीं हैं, मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है पर्सनली, लेकिन ये सिर्फ अपने सब्सक्राइबर को मिलियन में पहुंचाने, अपने वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए इस टाइप के वाहियात एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, ये सुसाइड के नए नए तरीके हैं और ये ट्रिगर कर रहे हैं आपके बच्चों को कि वीडियो देखें, वही इनके दिमाग में जाए, एजुकेशन से हटा दिया जाए। फर्स्ट रिक्वेस्ट पेरेंट्स से, अपने बच्चों को कंट्रोल करें, ऑब्जर्व करें, जब भी वो यूट्यूब देखें तो इनसे उनको बचाया जा सके। एंड सेकंड थिंग फॉर दीज यूट्यूबर्स, लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन मैंने इन चार का ही नाम लिया है, प्लीज़ अपने चैनल की ग्रोथ के चक्कर में किसी सब्सक्राइबर, किसी के बच्चे के साथ ऐसा गलत काम ना करें। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आप करें तो अकेले में करें, करिए एक्सपेरिमेंट, कोई अच्छा एक्सपेरिमेंट करिए जो देश के, दुनिया के, सुरक्षा के, हेल्थ के काम में आए। ये एक्सपेरिमेंट क्या एक्सपेरिमेंट है, इससे तो किसी की जान चली जाएगी। एंड थर्ड एंड लास्ट, ये मेरी रिक्वेस्ट है यूट्यूब से, प्लीज़ जब भी कोई ऐसा कंटेंट आए जो बच्चों के लिए हानिकारक हो, डेंजरस हो, उनको ट्रिगर करे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के, प्लीज़ उसे ब्लॉक करें या इनको वार्न करें, ताकि इन लोगों से बच्चों की लाइफ को बचाया जा सके, एजुकेशन के फील्ड में उनको लगाया जा सके। थैंक यू, यही मेरा मैसेज है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू।